अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम रेटिना के एमसीक्यूज करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं जोगी से। और इसमें यह है कि रेटिना के फंक्शंस में एक ही होता है एमसीक्यू, इसका होता आया हुआ है कि जो विजुअल इंपल्सेस होती हैं ऑक्सिपिटल कॉर्टेक्स तक जाने में उनको कितना टाइम लगता है, तो 124 मिली सेकेंड्स के 124, इस तरह से याद कर लें 124 मिली सेकेंड्स लगते हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू ऑक्सिपिटल कॉर्टेक्स तक सिग्नल्स लेके जाने के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें डिजीज़ ऑफ रेटिना में कौन कौन सी होती हैं, इन्फ्लेमेटरी हो सकती हैं, वेस्कुलर हो सकती हैं, रेटिनोपैथीज रिलेटेड टू सिस्टमिक डिजीज़ हो सकती हैं, या डीजनरेशन हो सकती हैं, ट्यूमर्स हो सकते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, कंजेनिटल डिजीज़ हो सकती हैं। इन्फ्लेमेशन में देख लें कि ईल्स डिजीज़ होती है, और ईल्स डिजीज़ होती है, इसके अलावा सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी है, एग्जुडेटिव रेटिनोपैथी ऑफ कोट्स, कोट डिजीज़ है, फोटो रेटिनाइटिस है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा कि ईल्स डिजीज़ जो होता है ना, ये एक्चुअली होता है कि बार बार रेटिना के अंदर हेमरेजेस हो रहे होते हैं, ठीक है, मतलब रिकरेंट हेमरेजेस चल रहे होते हैं, यंग लोगों में होते हैं और इस तरह से, और टीबी के साथ मोस्टली एसोसिएटेड होती है ईल्स डिजीज़, ठीक है। इसके अलावा फोटो रेटिनाइटिस, ये आपने सुना होगा, ये जो कहते हैं सूरज ग्रहण लग गया, चांद ग्रहण लग गया, तो उसमें किसी को हो गया ना आई, उसकी आँख खराब हो जाती है, तो इसलिए कहते हैं कि वो जब लगता है तो स्पेशल उसकी ग्लासेस होती हैं जिसको पहन के जाना होता है, तो दैट इज़ एक्चुअली फोटो रेटिनाइटिस, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि यूवी लाइट होती है ना हार्मफुल, वो आती हैं उसमें से। उसके अलावा वैस्कुलर लियंस में यू नो दैट कर्वो एंड क्रायो होता है, और रेटिनोपैथीज सिस्टमिक डिजीजेज में डायबिटिक है और हाइपरटेंसिव मेनली होती है, और डीजनरेटिव में वी हैव द रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एंड मैक्युलर डिजनरेशन, एंड ट्यूमर्स में रेटिनोब्लास्टोमा होता है जो बच्चों में होता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, कंजेनिटल एनोमली हो सकती है कोई भी। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन में हमें क्या मिलता है, चेरी रेड स्पॉट मिलता है, और इसके अलावा कौन सी डिजीज होती हैं जिसमें चेरी रेड स्पॉट मिलता है, टेक्सेक डिजीज़ हो सकती है, नायमन पिक हो सकता है, मायोक्लोनस हो सकता है, बर्लिन्स एडीमा हो सकता है, और मैक्युलर होल और हेमरेज, इन सब में हमें क्या मिलेगा, चेरी रेड स्पॉट मिलेगा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की बात करें तो इसमें हमने देखा था कि इसमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है, और नाइट ब्लाइंडनेस और किस डिज़ीज़ के साथ हो सकती है, नेक्टलोपिया कहते हैं। अगर सिर्फ आपसे पूछा ना नेक्टलोपिया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि नाइट ब्लाइंडनेस की बात की जा रही है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी में, सिरोसिस में, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में कंजेनिटल नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, एक्सटेंसिव कोरियोराइटिस हो सकता है, और गोशी डिजीज़ होती है, इन सब क्या इसमें क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, लॉरेंस मून बीटल सिंड्रोम, ठीक है, दिस इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, तो ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए। और नीचे वाला कौन सा है, उशर सिंड्रोम है। रेटिनोब्लास्टोमा इट इज़ यूनिलेटरल, यूजली ज़्यादातर यूनिलेटरल होता है, बट 25% केसेज में सेकेंड आई बी इफेक्ट हो सकती है, और ये कंजेनिटल मोस्ट कॉमन होता है, इट इज़ कॉमन इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रेन, 2 to 4 years में कॉमन होता है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये फेमिलियल ही हो, ठीक है, मतलब ये जेनेटिकली भी हो सकता है, सोमैटिक म्यूटेशंस भी इसकी हो सकती हैं, ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से म्यूटेशंस भी हो सकती हैं, स्पोरेडिक केसेज भी हो सकते हैं इसके। और इसका जो ट्रीटमेंट हम करते होते हैं, इन्यूक्लिएशन करते हैं, एक्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्बिट करते हैं, एंड इन्यूक्लिएशन इज एक्चुअली द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है, इन द स्टेज 1 एंड स्टेज 2, जिसमें हम एक्सियन करते हैं आई की, ठीक है। और एक्सेंट्रेशन जो है इट इज़ आल्सो डन। और ये आपको बताना था कि कंजेनिटल सिफिलिस जो होता है ना, इसमें क्या होता है, पेपर एंड सॉल्ट फंडस होता है, ब्लैक एंड वाइट स्पॉट्स हमें नज़र आते हैं, और ये रूबेला में भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली द पेपर एंड सॉल्ट फंडस, जो कि हमें कंजेनिटल सिफिलिस में नज़र आता है और रूबेला में। आफ्टर रेटिनल स्टिमुलेशन द विजुअल इम्पल्स रीचेज द ऑक्सिपिटल कॉर्टेक्स आफ्टर 124 मिली सेकेंड्स। रेटिनल डिटैचमेंट इज एसोसिएटेड विद, रेटिनल डिटैचमेंट किसके साथ एसोसिएटेड होती है, तो ये आप इसके कॉजेज़ देख लेते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट को लें जतोई पे, पेज नंबर 209 पे है। रेटिनल डिटैचमेंट दो तरह से होती है, रिगमेटोजिनस होती है, नॉन रिगमेटोजिनस होती है। रिगमेटोजिनस कौन सी होती है, जिसमें ब्रेक होता है, टूटती है रेटिना, ठीक है। और इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, ये यूक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में भी आते हैं ये। पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट अगर हो जाए तो उसकी वजह से पेरिफेरल रेटिनल डिजनरेशन हो जाए, लेटिस या स्नेल ट्रैक डिजनरेशन, हाई मायोपिया की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, एफेकिया या सूडोफेकिया की वजह से रेगमेटोजीनियस रेटिनल डिटैचमेंट होती है। ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट जो इसकी होती है, नॉन रेगमेटोजीनियस, जिसमें ट्रैक्शन होती है, पुलिंग होती है रेटिना की, उसकी वजह से वो डिटैच होती है। उसमें हमारे पास जो कॉजेज आते हैं, दैट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो प्रोलिफ्रेटिव टाइप होती है, जिसमें न्यूवेस्कुलराइजेशन हो रही होती है उसके अंदर, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, पेनिट्रेटिंग पोस्टीरियर सेगमेंट ट्रॉमा, मतलब ट्रॉमा की वजह से, एफेकिया की वजह से, जस्ट लाइक द रेगमेटोजीनियस, यहाँ पे एफेकिया की वजह से भी हो सकता है, ईल्स डिजीज की वजह से हो सकता है, और पोस्ट हेमरेजिक रेटिनल प्रोलिफ्रेंस, ठीक है।
ये सारे हो गए ट्रैक्शनल के कॉजेज़, और आगे एक्जुडेटिव। एक्जुडेटिव जो रेटिनल डिटैचमेंट है उसके कॉजेज़ हैं ऑक्यूलर सिस्टेमिक। ऑक्यूलर में भी आ द इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़, जिसमें पोस्टीरियर यूवियाइटिस हमने पहले देखा था, एमसीक्यू भी आया हुआ था, और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलाइटिस, इसमें हो सकता है कोरियो रेटिनोपैथी फॉर एग्जाम्पल, या ट्यूमर्स के केस में फॉर एग्जाम्पल रेटिनोब्लास्टोमा, मेलिग्नेंट मेलानोमा, इन सब में क्या हो रहा है, रेटिनल डिटैचमेंट हो रही है। तो अब हम देखें रेटिनल डिटैचमेंट इज एसोसिएटेड विद मेलिग्नेंट मेलानोमा। अभी हमने डिस्कस किया है कि जो एक्जुडेटिव टाइप होती है उसमें मेलिग्नेंट मेलानोमा की वजह से होता है। इसके अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से भी हो रहा होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से कौन सी मोस्टली होती है, ट्रैक्शनल, ठीक है, पॉलीफ्रेटिव की वजह से। हाई मायोपिया, ये किसमें हो रही थी, प्रिग्मैटोजिनस टाइप, जिसमें टीयरिंग हो रही थी। तो ये तीनों हमारी जो है टाइप होती है ऑल ऑफ द अबव। रेटिनोब्लास्टोमा इज मोर कॉमन इन अडल्ट, नहीं है ये चिल्ड्रन में और इन्फेंट्स में ज़्यादा कॉमन है, हमने अभी देखा। और इसको हम ट्रीट करते हैं इविजरेशन से, नहीं, हम इसको ट्रीट करते हैं इन्यूक्लिएशन से, ठीक है, इन्यूक्लिएशन से हम इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। और ये बायलेटरल ही होता है, ये यूनिलेटरल होता है मोस्टली। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लें, इविजरेशन में हम क्या करते हैं, इविजरेशन हमेशा याद रखना है विजर से, कि इसमें हम स्क्लेरा को उधर ही रहने देते हैं, ठीक है, स्क्लेरा को उधर ही रहने देते हैं, अंदर से सारा निकाल लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ वॉट, दिस इज इविजरेशन, द कंटेंट्स ऑफ द आई आर रिमूव्ड बट द आउटर लेयर ऑफ स्क्लेरा इज इंटैक्ट, उधर ही रहेगी, ठीक है। ई न्यूक्लिएशन में देखें, अब हमने स्क्लेरा को भी साथ ही रिमूव करना है। ई न्यूक्लिएशन इंटायर आई इंक्लूडिंग द ग्लोब इज रिमूव्ड, ठीक है, मतलब पूरी आई हमने निकाल दिया, लेकिन ऑर्बिट के, ये ऑर्बिट है, इसके बाकी कॉन्टेंट्स, मसल्स, फैट्स, वो सारे उधर ही हैं। सो दिस इज ई न्यूक्लिएशन। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, वहाँ पर हमने स्क्लेरा नहीं निकाला था, ठीक है, और यहाँ पर हमने वो स्क्लेरा भी निकाल लिया, और बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं पूरे आई बॉल के वो निकाल लिए, ऑर्बिटल कॉन्टेंट्स उधर ही हैं। एग्जेंट्रेशन में क्या हो रहा है, सारी आई सॉकेट खत्म हो गई है, सिर्फ ये हड्डी रह गई है पीछे, तो दिस इज़ एग्जेंट्रेशन, ठीक है। तो नॉर्मल क्या था, ये थी ई विजरेशन में हमने क्या किया, स्क्लेरा को उधर ही छोड़ दिया। ई न्यूक्लिएशन में हमने स्क्लेरा को भी बाहर निकाल लिया। एग्जेंट्रेशन में हमने सारा कुछ बाहर निकाल लिया, ऑर्बिटल कॉन्टेंट्स भी, ठीक हो गया। तो ये भी नहीं बन रहा क्योंकि यूनिलेटरल होता है, एडल्ट्स भी नहीं बन रहा। और ई विजरेशन में मतलब स्क्लेरा को हम बाहर नहीं छोड़ते, हम ई न्यूक्लिएशन करते हैं इसमें मोस्टली, और एग्जेंट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एज सच जो है ना, इसका ये बन नहीं रहा ई विजरेशन, तो फिर भी ना हम ये इसको क्लिक करेंगे इसमें से, अगर नहीं कोई बन रहा तो। द लेट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। पिगमेंटोसा अगर कोई में हम देखें ना, तो उसमें हम क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में जो अर्ली चेंज आता है ना, सबसे पहला सिम्टम वो ये आता है कि पेशेंट को नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले रॉड्स इफेक्ट होते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, विजुअल फील्ड होती है वो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है, मैंने आपको बताया था इसमें टनल विजन होती है। फिर क्या होता है, डिफेक्टिव विजन होती है ड्यूरिंग द डे टाइम, कॉन्स इफेक्ट होना शुरू हो जाए बाद में फिर, ठीक है, और फिर अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस हो जाती है। अब इसमें जो साइंस आते हैं वो ये होते हैं कि विजुअल एक्विटी शुरू में जो है नॉर्मल होती है, लेकिन ऐसा ऐसा कम होती जाती है। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी जो होती है, ये इफेक्ट होती है अर्लियर देन विजुअल एक्विटी, ठीक है। तो विजुअल एक्विटी से पहले कंट्रास्ट सेंसिटिविटी जाती है। कलर विजन इसमें शुरू में नॉर्मल होती है क्योंकि कॉन्स बाद में इफेक्ट होती है। फंडस में हमें क्या मिलता है, हमें तीन चीज़ें मिलती हैं, वैक्सी अपेयरेंस होती है डिस्क की वैक्सी अपेयरेंस होती है, पेल होती है डिस्क। वेजल्स जो होती हैं वो अटेनुएटेड होती हैं, वीकेंड होती हैं, और हमें पिगमेंट्री बोनी कर्प्यूल्स कर्पसल्स मिलते हैं, ठीक है। पिगमेंट्री रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है तो हमें इसमें पिगमेंट्री बोनी कर्पसल्स मिलेंगे, ठीक है। तो एज अ होल ये जो अटेनुएटेड ब्लड वेजल्स हैं ना, ये क्या हैं, इनके इर्द गिर्द क्या होता है कि जो इनके शीत होती है ना रेटिनल ब्लड वेजल्स की, इनके पिगमेंट्स होते हैं, उनकी शीत बनी होती है, रेटिनल ब्लड वेजल्स के इर्द गिर्द पिगमेंटेड शीत होती है, ठीक है। और इसके अलावा यह है कि मैक्युलोपैथी भी हो सकती है। तो ये सब जो हैं क्या हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की। तो अगर आप देखें कि लेट क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो कौन से हैं, शीथिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, वैक्सी डिस्क और रिंग स्कोटोमा। इसमें जो स्कोटोमा बनता है ना वो रिंग होता है, टनल विजन होती है, रिंग स्कोटोमा होता है, वैक्सी डिस्क होती है जैसे कि मैंने बताया, पेल होती है, शीथिंग ऑफ ब्लड डिस्क वेसल्स होती है बाय द पिगमेंट्स, नॉर्मल विजन नहीं होती, तो नॉर्मल विजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद है डायबिटिक रेटिनोपैथी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय। तो याद रखना है आपने कि सबसे पहले जो चेंज आता है ना डायबिटिक रेटिनोपैथी में, अगर आप डायबिटिक रेटिनोपैथी का चैप्टर टॉपिक खोलें तो उसमें जो अर्ली चेंजेस होती है ना डायबिटिक की, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, तो अर्ली डायबिटिक जो स्टेज होती है ना उसमें क्या होता है कि हमें मिलता है ये
माइक्रो एनरिजम्स, और माइक्रो एनरिजम्स जो होते हैं दीज आर करेक्टरिस्टिक, दीज आर अर्लीस्ट क्लिनिकली डिटेक्टेबल लीजन्स ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, और ये करेक्टरिस्टिक होती हैं फॉर द डायबिटिक रेटिनोपैथी। बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी में माइक्रो एनरिजम्स हमें मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो होता है ये क्या करवाता है, ये आपके यूवियल ट्रैक वाले चैप्टर में से लिया गया है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो होता है ये करवाता है कोरियोरेटिनाइटिस, ठीक है, कोरियोरेटिनाइटिस, ये आपने याद रखना है। अब कोरियोरेटिनाइटिस करवा रहा है तो ऑब्वियसली जो पीछे वाला रीजन होगा ना मैक्यूला का, उसके ऊपर आपको नजर आएगा। जैसे आपको यूवियाइटिस के चैप्टर में टॉक्सोप्लाज्मोसिस यूवियाइटिस उन्होंने लिखा हुआ है, कोरियोरेटिनाइटिस हो रहा है, और वहाँ पे बिल्कुल मैक्यूला का रीजन अगर आप देखें तो वहाँ पे बिल्कुल वो वाइट कलर का एक आपको मटेरियल नज़र आ रहा है मैक्यूला पे। तो उस तरह से टॉक्सोप्लाज्मोसिस की कंडीशन होती है। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि फंडस पे सॉल्ट एंड पेपर पैटर्न जो होता है ये कंजेनिटल सीप्लस में मिलता है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये रूबेला में भी मिलता है। चेरी रेड स्पॉट मैंने आपको बताया था कि किस किस में मिलता है, तो उसमें कोरियोरेटिनाइटिस जो था वो नहीं था, उसमें एक टेसेक डिजीज़ था, नाइमेक पिक डिजीज़ था, और चेरी रेड स्पॉट में से हमें क्राउ में मिलता है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन इनमें मिल रहा होता है ना। अब यहाँ पे कोरियोरेटिनाइटिस में आपने नहीं देखा चेरी रेड स्पॉट, और सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी में भी आपने नहीं देखा, लेकिन ये वाला जो है ना एमरोटिक फेमिलियल आइडियोसी, दिस इज़ एक्चुअली अनदर नेम फॉर टेसेक डिजीज़। टेसेक डिजीज़ जो था ना ये इसका पुराना नाम है। तो देखें ज़रा कितना तंग करते हैं हमें, एमरोटिक फेमिलियल आइडियोसी होना चाहिए इसका, ठीक हो गया। चेरी रेड स्पॉट इज सीन इन एमरोटिक फेमिलियल आइडियोसी विच इज़ अनदर नेम फॉर द टेसेक डिजीज़। उसके बाद फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस जो होते हैं ये किस में करेक्टरिस्टिक होते हैं, हाइपरटेंशन में, ठीक है। अब डायबिटीज़, डायबिटिक रेटिनोपैथी में मैंने आपको करेक्टरिस्टिक चीज़ बताई थी उसकी कि माइक्रो एनरिजम्स होते हैं, और जो फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस हैं वो किसके हैं, हाइपरटेंशन के, ठीक हो गया। उसके अलावा आ जाता है रिगमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट इज़ ड्यू टू, इसके हमने कॉजेज देखे थे, और उसमें रेटिनल ब्रेक, एक्चुअली इसमें क्या होता है रेटिनल ब्रेक हो जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है द मोस्ट कॉमन इंट्रा ऑक्यूलर ट्यूमर इन चिल्ड्रन इज़, ये तो आपको पता है रेटिनोब्लास्टोमा, हमने पहले भी सॉल्व किया। रॉड स्पॉट्स हमें किसमें नज़र आते हैं, अब ये मैंने इंटरनेट पे सर्च किया रॉड स्पॉट्स का, और उन्होंने बहुत सी डिजीज़ का नाम बता दिए, उनमें उन्होंने बताया कि इसमें भी मिलते हैं, इसमें मिलते हैं, ठीक है, एट्सेट्रा। अब ये डायबिटीज़ में भी हमें मिल रहे होते हैं, सभी क्यूट बैक्टीरिया एंडोकार्डाइटिस में मिल रहे होते हैं, ठीक है। एक्चुअली हेमरेजेस होते हैं जो हमें रेटिना पे मिलते हैं ना, उनकी वजह से स्पॉट्स बन जाते हैं। तो अब वैसे जो इसकी की में आंसर है वो सभी क्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, ठीक है, तो आप ये याद कर लें। उसके बाद आता है कॉजेज ऑफ सेकेंडरी डिटैचमेंट ऑल एक्सेप्ट। सेकेंडरी डिटैचमेंट मतलब कि अब डिटैचमेंट हो गए, उसकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं, उसकी कॉजेज हो सकती है इंट्राओक्युलर ट्यूमर हो सकता है, उसकी वजह से डिटैचमेंट हो सकती है, एक्सुडेटिव कोराइडाइटिस की वजह से हो सकता है, हेमरेज बिटवीन रेटिना एंड कोराइड हो सकता है, मैक्यूलर होल की वजह से नहीं होता डिटैचमेंट। जूनिस कोहन्स डिजीज़ इज़ एन अर्ली डिसिफॉर्म डीजनरेशन ऑफ, इसमें क्या होता है जूनिस कोहन्स में जो मैक्यूला होती है ना उसकी डिसिफॉर्म डीजनरेशन होती है, ठीक है, सो इसको आपने याद रखना है। रेटिना आफ्टर डेथ बिकम्स वाइट, ठीक है। कैंडल वैक्स स्पॉट्स हमें किस में मिलते हैं, सर्कोइडोसिस में मिलते हैं। सिफिलिस में क्या मिल रहा था, याद है आपको, सॉल्ट एंड पेपर पैटर्न मिल रहा था। फिर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जो होता है इसमें पिगमेंटेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है ना, तो ये जतोई में भी लिखा हुआ है कि इक्वेटोरियल रीजन से स्टार्ट होती है। स्नो ब्लाइंडनेस में जो पैथोलॉजी होती है उसमें कौन सा इन्वॉल्व होता है, स्नो ब्लाइंडनेस क्या होती है, दिस इज़ एक्चुअली फोटोकैराटाइटिस, ठीक है। जिन लोगों का एक्सपोजर होता है ना यूवी लाइट से थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए कहीं ज़्यादा देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए यूवी लाइट का एक्सपोजर होगा, उसकी वजह से उनको आंखों में पेन शुरू हो जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्नो ब्लाइंडनेस। तो फोटोकैराटाइटिस, कॉर्निया होगा इन्वॉल्व, इसका दूसरा नाम होता है फोटोकैराटाइटिस। यैक लेज़र जो होता है इसका कलर क्या होता है, कलरलेस होता है ये। ऑफ्थेल्मोस्कोपिकली द अर्लीस्ट साइन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी इज़, अर्लीस्ट साइन क्या होता है, मैंने पहले भी बताया माइक्रो एनरिज्म होता है। पिगमेंट्री रेटिनल डिस्ट्रॉफी ये मैंने आपको दिखाया भी था, लॉरेंस मून बीटल सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है।
करवो कॉमनली अकर्स इन पीपल विद, तो अगर आप अपने जितोई के अंदर इसके करवो के कॉजेज चेक करें तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि रेटिनल वेन ओक्लूजन जो होती है उसके कॉजेज क्या हैं। कॉमन कॉजेज ये हैं एज, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर, ड्रग्स लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, स्मोकिंग, हाइपर विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन फॉर एग्जाम्पल सार्कोइडोसिस और ईल्स डिजीज, एंड लोकल कॉजेज फॉर एग्जाम्पल ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, कैवर्नस साइनस, थ्रोम्बोसिस। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, कर्बो हो रहा है। तो आर्टेरियोसक्लेरोसिस की वजह से, एथेरोसक्लेरोसिस की वजह से हो रहा है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की वजह से, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। न्यू वैस्कुलर ग्लूकोमा कैन बी बेस्ट ट्रीटेड बाय, किससे हम करते हैं, पैन फोटोकोगुलेशन ऑफ रेटिना करते हैं, ठीक है। अपनी ये जो पैन डायबिटिक रेटिनोपैथी में अगर हम देखें तो आपको उसमें भी नज़र आ रहा होगा कि जो प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है उसको हम ट्रीट करते हैं बाय पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, विच इज़ एक्चुअली 197 में लिखा भी हुआ है कि स्कैटर्ड लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी। सो इट इज़ द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट। जो भी न्यू वेसल्स बनी होंगी उसको हम पैन फोटोकोगुलेशन से ख़त्म कर देंगे। कार्डिनल फीचर ऑफ द स्टेज 4 हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की हमने स्टेजेस डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2 होता है, ग्रेड 3 होता है, ग्रेड 4 होता है। ग्रेड 1 में क्या होता है कि अभी सिर्फ कंसीलमेंट ऑफ द वेन बाय आर्टेरियोल होता है। ग्रेड 2 में क्या होता है, वहाँ पर सेलस साइन आता है। ग्रेड 3 में क्या होता है, पोनेट साइन होता है और गन साइन होता है, और कॉपर वायर अपेरेंस होती है आर्टेरियोल्स की। बाकी वो एक्सुडेट्स वगैरह बाहर आना शुरू हो जाते हैं। और ग्रेड 4 में क्या होता है, सिल्वर वायर कलर अपेरेंस होना शुरू हो जाती है आर्टेरियोल्स की और पेपिलेडीमा हो जाता है। तो फोर्थ स्टेज में आपको क्या मिलेगा, कार्डिनल फीचर ऑफ द स्टेज 4 हाइपरसेंसिटिविटी इज एक्चुअली द पेपिलेडीमा, ठीक है। तो ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये एवी क्रॉसिंग्स, ये एक्चुअली आपको किस स्टेज में नज़र आएंगी, स्टेज 2 में नज़र आएंगी, ठीक है। और ये जो हेमरेजेस वगैरह हैं, ये सॉफ्ट एक्सुडेट जो फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस जो होंगे, ये आपको ग्रेड 3 में नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये आपको ग्रेड 2 में नज़र आ रहा है, लेकिन फोर्थ में आपको पेपिलेडीमा नज़र आ रहा है। रेटिनोब्लास्टोमा कैन प्रेजेंट इटसेल्फ एज, रेटिनोब्लास्टोमा जो होता है इसके हम क्लिनिकल फीचर्स रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो रेटिनोब्लास्टोमा की जो स्टेजेस होती हैं वो आपको मैंने बताई थी कि उसमें सबसे पहले जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है, क्विजेंट स्टेज होती है, जिसमें एक्चुअली क्या हो रहा होता है, ल्यूकोकोडिया होता है, स्क्विंट होता है, ठीक है। ये दोनों मेजर चीज़ें होती हैं, वाइट पीपल रिफ्लेक्स हो रहा होता है और स्क्विंट आ रहा होता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है इन्फ्लेमेटरी या ग्लाकोमेटस स्टेज, उसमें क्या होता है, हाइपोपायोन होता है, सूडो हाइपोपायोन होता है, ठीक है। और इसके अलावा पेनफुल रेड आई हो जाती है। फिर आती है थर्ड स्टेज, एक्स्ट्राओकुलर एक्सटेंशन स्टेज, जिसमें वो आईबॉल जो होता है उसे बाहर तक एक्सटेंड कर जाता है ट्यूमर, और प्रोप्टोसिस हो जाती है थर्ड स्टेज में। और जो फोर्थ स्टेज होती है वो मेटास्टेटिक स्टेज होती है, उसमें जो चला जाता है हमारा जो कैंसर है वो ऑप्टिक नर्व से ब्रेन में, प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स में, और ब्लड स्ट्रीम से लिवर में और दूसरे ऑर्गन्स में, और मोस्ट कॉमन जो मेटास्टेसिस होती है वो इसकी बोन्स में होती है, ठीक हो गया। तो एज अ होल अगर आप देखें तो इसमें हमें क्या नज़र आती है, मेरोटिक कैट्स आई मिलती है, ठीक है, ऐसे लगता है जैसे बिल्ली की आंखें हैं, और इन्लार्जमेंट ऑफ द ग्लोब मिलता है। थर्ड स्टेज हमने देखी प्रोप्टोसिस वाली, सेकेंड स्टेज में हमने हाइपोपायोन देखा, ये भी हमें मिलता है, और ईजोट्रोपिया हमें फर्स्ट स्टेज में स्क्विंट मिल रहा होता है। स्क्विंट मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, कन्वर्जेंट स्क्विंट, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स होंगे रेटिनोब्लास्टोमा के। नेक्टिलोपिया नाइट ब्लाइंडनेस मैंने आपको बताया था किस किस में होती है, तो गॉशी डिजीज़ में भी हो रही थी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में, एक्सटेंसिव कैरियर रेटिनाइटिस में हो रही थी, लेकिन प्रोक्सोकैरियोसिस में नहीं हो रही थी, ठीक है। रिंग स्कोटोमा आपको किस में मिलता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में। कैटल ट्रक अपेरेंस आपको फंडोस्कोपी में किस में मिलती है, आपको क्रायो में मिलती है, याद है आपको। हम उसके क्लिनिकल फीचर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जो होती है क्राओ, ठीक है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन, उसमें हमें विजुअल एक्टिविटी जो होती है वो परसेप्शन ऑफ लाइट तक चली जाती है, बहुत ज़्यादा विजुअल लॉस होती है। आरएपीडी प्रेजेंट होता है। फंडस एग्जामिनेशन पे हमें पेल रेटिना मिलती है, चेरी रेड स्पॉट मिलता है, कैटल ट्रॉकलिंग मिलती है, कैटल ट्रैकिंग मिलती है जिसमें एक्चुअली सेगमेंटेशन हो जाती है कॉलम,
वो जो स्टॉप हो जाती है ना ब्लड सप्लाई, उसकी वजह से एट्रोफिक चेंजेस मिलती हैं। ठीक है, OCT में हमें एम्बोलिक प्लेग मिल सकता है ऑप्टिक नर्व पे, और FFA में हमें जो है रेटिनल एडिमा वगैरह मिल सकता है, और इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी में हमें डिमिनिश्ड बी वेव मिलती है। तो ये सारी हैं, और इसमें एमरोसिस फ्यूगस होता है जिसमें एक्चुअली क्या होता है, ट्रांसिएंट पेनलेस मोनोकुलर लॉस ऑफ विजन एंड ब्लाइंडनेस होता है, और विजन लॉस इसमें सडन होता है, मोनोकुलर पेनलेस विजन लॉस होता है। तो कैटल ट्रकलिंग अपेरेंस आपको किस में मिल रही है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लिया में। फोटोफ्थैल्मिया, फोटोफ्थैल्मिया मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, सूरज ग्रहण वगैरह जो होता है उसकी वजह से हो जाता है, यूवी रेज की वजह से। ठीक है, उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, ऑलवेज एसोसिएटेड हाइपरटेंशन तो नहीं होता, इसके बहुत से कॉजेस होते हैं। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में ज़रूरी नहीं है कि हो, वैसे भी हो सकता है, ओनली इन नहीं होता, और भी कॉजेज हो सकते हैं। डिटर्मिन्स प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज़ और इंसिडेंस इंक्रीजेस विद ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़, जितनी ज़्यादा डायबिटीज़ की ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी उतना इसका इंसिडेंस ज़्यादा होता जाएगा। सो 30 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। ना हम इन दोनों बाकियों को करके ना फिर साथ करेंगे। तो मैं आपसे कुछ डिस्कशन कर लेती हूँ। अ 30 ईयर्स ओल्ड फीमेल कम्स टू द इमरजेंसी विद द कंप्लेंट्स ऑफ कर्टन और वेल ऑब्स्क्यूरिंग हर फील्ड ऑफ विजन। थर्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन कन्फर्म्स दैट इट इज़ रेटिनल डिटैचमेंट। वट कुड बी द प्री डिस्पोजिंग कंडीशन इन दिस लेडी विच लेड टू दिस प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं बहुत ज़्यादा, हाइपरमेट्रोपिया दिया हुआ है, मायोपिया, इन्फेक्शन, इंक्रीजिंग एज, डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो इसका क्या आंसर होगा, मायोपिया होगा। हमने डिस्कस किया था कि मायोपिया वॉज एक्चुअली द कॉज लीडिंग टू द रेटिनल डिटैचमेंट इन द रिगमेटोजीनस। ओके, एंड उन्होंने कहा है कि कर्टन एंड वेल ऑब्स्क्यूरिंग हर फील्ड ऑफ विजन। तो आप अगर रेटिनल डिटैचमेंट को खोल के देखें तो उसमें उन्होंने क्लियर कट बताया हुआ है कि उसके साइंस में ये होता है कि कर्टन फॉलिंग आता है, मतलब ऐसे लग रहा होता है कि पेशेंट को कि कोई मेरे आगे पर्दा आया हुआ है। ठीक है, उस तरह से। और इसके अलावा हम इसके साइंस जो बाकी हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो रिगमेटोजीनियस रेटिनल डिटैचमेंट ऑन द पेज नंबर 210 क्लिनिकल फीचर्स में देखें, सिम्टम्स होते हैं फ्लैशिंग लाइट, पेशेंट को फोटोप्सिया फील होता है, कोई आगे लाइट आई हुई है, फ्लोटर्स फील होते हैं, फॉल ऑफ विजन होता है, फील्ड इफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा साइंस में क्या होता है, विजुअल एक्विटी कम हुई होती है पेशेंट की, और कंसंट्रेशन टेस्ट जब हम करते हैं तो विजुअल फील्ड इफेक्ट हमें मिलता है, फिर RAPD प्रेजेंट होता है जब टोटल डिटैचमेंट होती है, इंट्राओक्युलर प्रेशर जो होता है वो 5 mm मर्क्यूरी से कम हुआ होता है। ठीक है, लोअर देन द नॉर्मल आए, 5 mm कम, और माइल्ड एंटीरियर यूवेआइटिस हो सकता है, ठीक हो गया, और टोबैको डस्ट मिलती है इसमें, शेफर साइन मिलता है विच कंसिस्ट ऑफ ब्राउन सेल्स पिगमेंटेड सेल्स इन द इंटीरियर विट्रस अ कॉमनली सीन। ठीक है, तो शेफर्स साइन इसमें मिलता है। ऑफ्थाल्मिक अपेरेंस ऑफ द डिटैच रेटिना क्या होती है, फ्रेश जो होती है वो ग्रे कलर की होती है, ट्रांसल्यूसेंट होती है, उस पर ब्लिस्टर्स होते हैं, ब्लड वेजल्स जो है वो डार्कर फील होते हैं, और आर्टरियल वेन जो है वो एक जैसी लग रही होती हैं। ओल्ड रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है, रेटिनल थिनिंग हो जाती है ड्यू टू एट्रोफी, डिमार्केशन लाइन होती है दोनों रेटिना के दरमियान में। ठीक है, हाँ वो होती है, टाइड मार्क्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे, और इंट्रा रेटिनल सिस्ट हमें मिलती हैं आफ्टर 1 ईयर। तो ओल्ड रेटिनल डिटैचमेंट जो होती है वो 3 मंथ से 1 ईयर के दौरान आ रही होती है, इसमें रेटिनल थिनिंग हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है, डिमार्केशन लाइन होती है, टाइड मार्क्स मिलते हैं, और इंट्रा रेटिनल सिस्ट मिलते हैं। ठीक हो गया, तो ये सारे इसकी साइंस थे। पेज नंबर 204 पे आ जाए, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। ये क्या होती है, बायलेटरल प्रोलीफ्रेटिव रेटिनोपैथी होती है, दोनों आंखों की होती है। ठीक है, प्रोलीफ्रेटिव रेटिनोपैथी अकरिंग इन प्री मेच्योर इन्फेंट्स विद लो बर्थ वेट हु हैव बीन एक्सपोज टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो रिस्क फैक्टर्स इसके क्या होते हैं, प्री मेच्योर होना, ठीक है, लो बर्थ वेट होना, और हाई कंसनट्रेशन ऑक्सीजन का एक्सपोजर, जैसे छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो हम ऑक्सीजन में उसको डाल देते हैं, तो उसकी वजह से रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी हो जाती है। अब ये ज़्यादातर पैथोजेनेसिस क्या है कि बर्थ वेट कम हो तो उसमें होता है, नॉर्मली नेजल पोर्शन जो रेटिना का होता है वो वैस्कुलराइज्ड होता है 8 मंथ ऑफ जेस्टेशन पे, वेयर एज टेम्पोरल जो रेटिनल वैस्कुलराइजेशन होती है वो 1 मंथ आफ्टर बर्थ कंप्लीट होती है, मतलब टेम्पोरल जो होती है वो नहीं होती अभी कंप्लीट, आफ्टर बर्थ होती है,
और नेज़ल वाली जो होती है वो 8 मंथ पे कंप्लीट हो जाती है। तो टेम्पोरल रेटिना जो होती है ना प्री मेच्योर इन्फेंट्स की, वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है ना, टेम्पोरल रेटिना ज़्यादा सेंसिटिव है। और फिर क्या है कि हाइपरऑक्सिया टॉक्सिक लेवल ऑफ ऑक्सीजन क्या करती है, जो न्यूली फॉर्म कैपिलरीज होती हैं उनको डैमेज करती हैं, कैपिलरी एंडोथेलियम की। जब ऑक्सीजन हम स्टॉप करते हैं तो कंपनसेटरी न्यूवैस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती ना एकदम से, तो फिर तो वेजेफ रिलीज होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से न्यूवैस्कुलराइजेशन न्यूबॉर्न्स में स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो होती है एक्टिव हो सकती है वगैरह वगैरह, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, मैं आपसे एमसीक्यू पूछने लगी थी। मेल चाइल्ड वॉज बॉर्न टू बी 35 ईयर्स ओल्ड वुमेन एट 36 वीक ऑफ जेस्टेशन, मतलब जल्दी पैदा हो गया, ठीक है। ही वॉज हैविंग डिफिकल्ट ब्रीदिंग एंड वॉज इमीजिएटली शिफ्टेड टू वेंटिलेटर वेयर हाई फ्लो ऑफ ऑक्सीजन वॉज गिवन। नाउ ऑन ऑप्थाल्मिक एग्जामिनेशन ही वॉज हैविंग वाइट पीपिलरी रिफ्लेक्स। तो उसको क्या हुआ है, वॉट हैज़ हैपन टू द बेबी। अब हमने जो है ना इसको देखना है, इसकी थोड़ी सी स्टेजेस डिस्कस करनी है, उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी। ये देखें, इन्होंने स्टेजेस आपकी बुक में ना बताई हुई है, 15.24 फिगर से स्टार्ट हो रही है। तो स्टेज वन में क्या है, डिमार्केशन लाइन होती है, वाइट कलर की लाइन नज़र आती है वेस्कुलराइज्ड और जो ए वेस्कुलर रेटिना होती है उसके दरमियान में। स्टेज टू में क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ी सी रिज बन जाती है दोनों के दरमियान में, ठीक है। स्टेज थ्री में क्या होता है, वहाँ पे फाइब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। और स्टेज फोर में क्या है, पार्शियल रेटिनल डिटैचमेंट स्टार्ट हो जाती है, जो कि 4A और 4B में डिवाइड है। 4A में पार्शियल रेटिनल डिटैचमेंट होती है जो मैक्यूला को इन्वॉल्व नहीं करती, और 4B में क्या होती है, वो मैक्यूला को भी इन्वॉल्व कर लेती है। और स्टेज 5 में क्या होता है, टोटल रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है, ठीक है। और फिर उन्होंने लिखा हुआ है इट लाइज बिहाइंड द लेंस, और वहाँ पे हमें क्या नज़र आता है, वाइटिश मैस नज़र आता है जो कि ल्यूकोकोरिया है, ठीक है, ल्यूकोकोरिया है। इसी वजह से जो स्टेज 5 है इसमें हमें नज़र आती है ल्यूकोकोरिया, वाइटिश मैस नज़र आएगा कॉल्ड एज रेट्रोलेंडल फाइब्रोप्लेजिया। दिस स्टेज इज़ रीच्ड व्हेन द इन्फेंट इज़ अबाउट 10 वीक्स ओल्ड, ठीक है। तो अब जो है ये जो हमने अभी एमसीक्यू डिस्कस किया है, इसमें जो वाइटिश रिफ्लेक्स आ रहे हैं ना, दिस शोज दैट द पेशेंट इज़ हैविंग द स्टेज 5 ऑफ दिस डिजीज़, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। फिर आप मैक्यूलर होल खोल लेना, मैक्यूलर होल। अब मैक्यूलर होल में एमसीक्यू इस तरह से आया हुआ है कि हमें ओसीटी में ना किसी की, हमने ओसीटी की और उसमें हमें विट्रियो मैक्यूलर ट्रैक्शन मिली है ना, तो अब उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द डायग्नोसिस। तो उसकी वजह से एक्चुअली उसको पहले उसको मैक्यूलर डिजनरेशन भी हुई हुई थी अननोन ओरिजिन की, और अभी विट्रियो मैक्यूलर ट्रैक्शन मिली है, मतलब कि विट्रियस और मैक्यूला के दरमियान में थोड़ी सी वो स्ट्रेचिंग टाइप और उस तरह से मिला है सब कुछ। तो इसमें मैक्यूलर होल में आप खोल लें तो इसमें कॉजेज में लिखा हुआ है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ एडियोपैथिक रीज़न, या मायोपिया की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, ये होल बन सकता है सिस्टॉइड मैक्यूलर एडिमा की वजह से हो सकता है। तो इसमें जो विट्रियो मैक्यूलर ट्रैक्शन लिखा हुआ है ना, दिस इज़ एक्चुअली द कॉज। इसको आप एमसीक्यू लिख लें कि अगर ये आपको विट्रियो मैक्यूलर ट्रैक्शन मिलती है तो इट लीड्स टू मैक्यूलर होल फॉर्मेशन। फिर ARMD खोल लें, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन। तो ये क्या होती है, डीजनरेटिव डिजीज़ होती है मैक्यूला की, और इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन होती है इसमें, ठीक है। एमसीक्यू इसमें से ऐसे आता है कि ड्रूजन्स हमें किस में मिलते हैं, तो ड्रूजन्स हमें क्या मिलते हैं, येलो वाइट एक्स्ट्रा सेलर मटीरियल डिपॉजिट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये जो ड्रूजन्स होते हैं ना, हार्ड ड्रूजन्स, सॉफ्ट ड्रूजन्स, दीज आर एक्चुअली फाउंड इन द ARMD। तो ड्रूजन्स अभी आएगा तो आपने ARMD को क्लिक करना है। इसके अलावा जो MCQ आता होता है वो आप नोट कर लें कि इट इज़ ए डीजनरेटिव डिजीज़ है, डीजनरेटिव डिजीज़ है, इन्फ्लेमेटरी जो है, ये एक्चुअली डीजनरेटिव डिजीज़ है, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी एज सच नहीं है, डीजनरेटिव डिजीज़ है। इसके अलावा ये है कि इसका जो, इसकी जो फैमिली हिस्ट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हेडरी होता है और वाइट लोगों में ही ज़्यादा कॉमन होता है। ये MCQs नोट कर रहे हैं, कर लें, ठीक है। और इसके अलावा ये MCQ है इसका कि जो है इसमें एक्चुअली क्या होता है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, अगर वो कहते हैं ना इसका ट्रीटमेंट ऐसे है, हम इसका ट्रीटमेंट ये कर सकते हैं, ऑप्शन में आपको तंग करेंगे, तो आपने कहना है कि नहीं इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, देर इज़ नो सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट नहीं है, याद रखना है आपने। लेकिन इसकी रिहेबिलिटेशन होती है, मतलब कि हम इसके लिए रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं लोगों की, लाइक जिनको ARMD होता है ना उनको हम उनके रिस्क फैक्टर्स अवॉइड करवा देते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह उनको दवाइयाँ थोड़ी बहुत लेते हैं, और लो विजन एड्स देते हैं, फॉर एग्जांपल उनको स्टिक पकड़ा देंगे, पकड़ के चलो ऐसे, ठीक है, देयर इज़ नो सच ट्रीटमेंट। फिर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में से एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है इसमें जो कि जिसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस है। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स लिंक्ड है ना डिजीज़, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वो ज़्यादा वर्स्ट प्रोग्नोसिस रखती है, तो वो आपने MCQs नोट करना है।
देन ये है कि जो हम लेज़र फोटो कोगुलेशन करते हैं न्यूरोवैस्कुलराइजेशन के लिए, वो किस लिए करते हैं? टू डिस्ट्रॉय द हाइपोक्सिक या इस्कीमिक रेटिना एंड टू क्लोज द लीकिंग एरियाज। ये दोनों MCQs बनते हैं, जिसमें जो मेजर आना होता है वो ये कि डिस्ट्रॉय द इस्कीमिक रेटिना। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डीमार्केशन बिटवीन द सीडीडी बॉडी एंड रेटिना। रेटिना और सीडीडी बॉडी के दरमियान में डीमार्केशन लाइन क्या होती है? ओरा सीरेटा होता है, ठीक है। सो दिस विल बी द MCQ। देन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ नॉन इस्कीमिक कर्वो मतलब सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, इसके टॉपिक में भी लिखा हुआ है कि इसके डिफरेंट जो हैं वो हो सकती हैं कॉम्प्लिकेशंस। नॉन इस्कीमिक की होती हैं सिस्टॉइड मैक्युलर एडिमा, ठीक है, और वो इस्कीमिक टाइप में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है वो सिस्टॉइड मैक्युलर एडिमा होती है। तो ये आपने MCQ मार्क कर लेना। और जो इस्कीमिक की हैं वो ये होती हैं कि मैक्युलर इस्कीमिया कॉज कर सकते हैं, ये भी सिस्टॉइड मैक्युलर एडिमा कॉज कर सकते हैं, और रोबियोसिस आयरिडिस कॉज कर सकता है। और ये भी MCQ होता है कि रोबियोसिस आयरिडिस क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली न्यूरोवैस्कुलर ग्लोकोमा, और ये 100 डेज ग्लोकोमा होता है। एक MCQs ये होते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी में हमें मिलते हैं ना, फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस मिलते हैं, डॉट प्लॉट हेमरेजेस मिलते हैं, डार्क प्लॉट मिलते हैं। तो उसमें जो फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस होते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं, जो हमारी नर्व फाइबर लेयर होती है उसके अंदर, और जो होते हैं डॉट प्लॉट और डार्क प्लॉट हेमरेजेस वो हमें डीप मिलते हैं, ठीक है, इनर रेटिनल लेयर्स में मिलते हैं। तो ये भी आपने डिफरेंस याद रखना है इनका। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन इन द प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा इज़, कौन सा कैंसर कहाँ पे मेटास्टेसिस हो सकती है? मैंने आपको बताया था बोन मेटास्टेसिस मोस्ट कॉमन होती है रेटिनोब्लास्टोमा की, ऑस्टियोसारकोमा कॉज कर सकता है। फिर एक MCQ आता है कि 5 ईयर्स ओल्ड मेल चाइल्ड इज़ ब्रॉट इन द आई OPD विद ल्यूकोकोडिया ऑफ द राइट आई विद मैस इन द ऑर्बिट, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? तो इसमें उन्होंने ना दो तरह से लिखा हुआ है, रेटिनोब्लास्टोमा एंडोफाइटम, रेटिनोब्लास्टोमा एक्सोफाइटम। तो जब भी ये होगा ना कि जो है राइट आई में बहुत ज़्यादा मैस बन गया, ल्यूकोकोडिया है और इस तरह की जो सिम्टम्स आ रहे हैं बड़े बड़े, तो एंडोफाइटम जो होता है ना, एंडोफिटिक ग्रोथ तो इसकी होती है, वो ज़्यादातर आगे की तरफ प्रोट्यूड आउट करती है, एक्सोफिटिक जो पीछे की तरफ जा रही होती है, ठीक है, और जो है डिटैच करी होती है रेटिना को। लेकिन एंडोफिटिक जो होती है वो प्रोट्यूड फ्रॉम द रेटिना इनटू द विट्रियस कैविटी, और उसमें क्या होता है कि रेटिना जो है वो डिटैच नहीं होती। रेटिनल आर्टरी इज़ द ब्रांच ऑफ ऑप्थैल्मिक आर्टरी, ठीक है। ब्लड सप्लाई टू द सेंसरी रेटिना अप टू द आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर इज़ फ्रॉम द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। हार्ड एक्सुडेट्स इन द रेटिना आर फॉर्म ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ विच मटीरियल? लिपिड्स, ठीक है। हार्ड एक्सुडेट्स होते हैं वो लिपिड्स की वजह से बनते हैं, ये भी MCQ है। ईल्स डिजीज़ में क्या होता है? ईल्स डिजीज़, ठीक है, ये MCQ आया हुआ है कि इसमें इडियोपैथिक पेरीफ्लेबाइटिस होती है रेटिनल वेन की, ठीक है, इडियोपैथिक रेटिनल वेन की पेरीफ्लेबाइटिस होती है। फिर मैंने बताया था रिकरेंट हेमरेजेस के साथ पेशेंट आते हैं। कौन सा लेज़र हम रेटिना के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं? आर्गन लेज़र। रेटिना कंसिस्ट ऑफ 10 लेयर्स विद पिगमेंटेड एपिथीलियम एज द आउटर मोस्ट। ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट में जो बेस्ट ऑप्शन है वो बकलिंग है। इसमें हम पार्श प्लेनर विट्रेक्टमी भी करते हैं और इंटरनल टेम्पोनेट करते हैं सिलिकॉन ऑयल के थ्रू। रेटिनोब्लास्टोमा में हमें जो चौकी वाइट प्रोप्टोसिस की मिलती है ना, चौकी वाइट क्या होती है? कैल्सिफिकेशन होती है, ठीक है। और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के कितने ग्रेड्स होते हैं? कीथ वेगनर एंड बार्कर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 4 ग्रेड्स होते हैं, मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और मॉडिफाइड जो स्कीफ क्लासिफिकेशन होती है उसमें भी 4 होते हैं ग्रेड्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेटिना। और ये जो बाकी इसके MCQs हैं ना UHS के, ये हम उसके साथ ही करेंगे, जो ऑप्टिक नर्व वगैरह के बाद।